जो भी आज का व्लॉग होगा वो मैं आपको, तो मैंने निकाला है जी आज ये वाला ब्लैक सूट। तो ये है जी वो सामान। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है फ्राइडे और अभी कोई तकरीबन 12:30 बज रहा है। तो अभी मैंने सुहान को फ्रेश कर दिया, नहला धुला के नाश्ता वगैरह करा के, बस अब इकरा और सादिया भी नहा लेंगी और फिर उसके बाद मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। तो ये देखिए जी, मैंने अपना सूट प्रेस कर लिया है, ये वाला सूट निकाला है मैंने, और ये है जी इसकी शलवार, और ये मैंने इकरा के कपड़े निकाल लिए हैं, ठीक है, ये भी प्रेस कर लिए बच्चों के कपड़े, ये रही इकरा की लेगिंग, और ये मैंने निकाला है सादिया का सूट फ्राइडे के लिए, और सुहान हो गए रेडी। सुहान हाय, सुहान हो गए हैं रेडी, इनके कपड़े वपड़े प्रेस कर दिए थे और फिर इनको नाश्ता वगैरह भी करा दिया है। वाओ वाओ, फ्राइडे जल्दी से उठो, आज मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा है, बढ़िया, तो हो सकता है हम लोग घूमने चले जाएं। तो बाकी का व्लॉग मैं वहीं जाके शूट करूंगी या कंटिन्यू, जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर शूट करूंगी। तो फ्राइडे है आज, नमाज और कुरान शरीफ पढ़ लिया है, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। हेलो, बच्चे सब रेडी हो गए, ये शादी अभी रेडी हो गई है, चलो ठीक है। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, घूमने का मौसम हो रहा है बिल्कुल। तो लेट्स सी कि बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं अभी। तो अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे, तो मैं इकरा और सादिया को लेकर आ गई थी अम्मी के घर पर, हमने यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद इल्सा का वेट करा, जब इल्सा ऑफिस से आ गई थी तो हम लोग निकल गए थे इंडिया गेट के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और काफ़ी मतलब ठीक लग रहा था मौसम इस टाइम तक, लेकिन जैसे ही हम लोग चिल्ड्रंस पार्क की तरफ पहुँचे, अंदर गए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल हवा बंद हो गई थी बिल्कुल ही। तो बच्चे भी स्वेटिंग से बुरा हाल हो गया था बच्चों का भी, फिर फिलहाल एक सीसॉ दिखा तो बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया था। और चिल्ड्रंस पार्क जो हमारे टाइम पे होता था ना बचपन में, वो तो चिल्ड्रंस पार्क लग ही नहीं रहा था, इन्होंने हाफ तो बच्चों के लिए ठीक है थोड़े बहुत स्लाइड्स वगैरह लगे हुए थे, और आधा जो पार्क था ना इन्होंने वो जिम पार्क बना दिया, फिर बच्चे खाली स्विमिंग पूल में इधर उधर लॉट लगाते रहे। फिर उसके बाद जब हम वापस इंडिया गेट की तरफ आ रहे थे तो हमने कहा चलो अब कुछ खा ही लेते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, भूख भी लग रही होगी। तो यहाँ पे इन्होंने चाट कॉर्नर लगा रखा है, तो यहाँ पर हमने खड़े होकर चाट खाई, आइसक्रीम वगैरह खाई, और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे, बच्चों को थोड़े बहुत टॉयज़ दिला दिए थे जो इंडिया गेट के फेवरेट टॉयज़ होते हैं वो। और ये देखिए इतनी शानदार ऑटो हमें मिली थी, ऊपर शीशा लगा हुआ था, मतलब बिल्कुल ब्रांडेड ऑटो थी ये। और फिर हमने इन लोगों को करा बाय, और सादिया और मैं आ गए थे अपने घर पर और ये लोग चले गए थे अम्मी के यहाँ। आज है सैटरडे, तो अभी ये देखिए कपड़े वॉश होकर आ गए, अब इनको बेड में रखना है और फिर उसके बाद जी बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करा के फिर आप ही के घर जाने की तैयारी करनी है। तो आज हम लोग आप ही के घर जा रहे हैं, तो जो भी आज का व्लॉग होगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये जो मैंने ईद पे बेडशीट बिछवाई थी वो वॉश करवाई है, चांदनी वॉश करवाई है, अपना कारपेट वॉश करवाया है धोबी से, तो बस अब ये बेड में रखने हैं। मैंने निकाला है जी आज ये वाला ब्लैक सूट, ये पहन के जाऊंगी मैं आप ही के घर में, इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर रखी है अपने मिंत्रा सूट हॉल में, ठीक है। और ये है जी सुहान का सूट, और ये सादिया का आप ही ने स्टिच करा था, तो मैं सादिया को ये वाला सूट पहनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बच्चे जीन्स और शर्ट नहीं पहन पाएंगे। तो ये क्लिप है जी आप ही के घर की, यहाँ पर हम लोग सब ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, एक्चुअली ये लोग ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे, यूसरा ने और मैंने तो घर आके ही पढ़ी थी नमाज़। तो हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे कि हम भी कहीं घूमने चलते हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में, कहीं हिल स्टेशन वगैरह जाने का प्लान बन रहा था। और ये था जी मेरा फुल सूट का लुक, इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल डिफरेंट सा लुक आ रहा था शलवार के साथ। और आप ही ने खाने में इतने सारे आइटम्स कर रखे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे आइटम्स थे खाने में, आप ही ने बना रखे जी तंदूरी बिरयानी और शाही पनीर, चिकन का कौरमा और चंगेज़ी, प्लस गुलाब जामुन थी, आइसक्रीम थी, कोल्ड ड्रिंक थी, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी उन्होंने माशाल्लाह। फिर हमने गप्पे मारी और अब सब चले गए अपने अपने घर। गुड मॉर्निंग जी, आज हो गई है संडे और अभी बस हम लोग सो के उठे हैं और बच्चे भी सो के उठ गए हैं,
क्योंकि रात को हम लोग देर से सोए थे, कोई 3:30 बज गए थे, तो बस अभी अभी बच्चे उठे हैं, 1 बज रहा है अभी और बच्चे उठ चुके हैं। सादिया हाय हाय, किधर गई बांसुरी? देखिए चलती हुई आपकी देखो देखो देखो। और बस अब बच्चों को नाश्ता वगैरह कराऊंगी, फिर उसके बाद ना अम्मी के जाना है आज, क्योंकि हीना भी आई हुई है तो ऑब्वियसली वो जाना पड़ रहा है, हीना के वजह से भी जाना हो रहा है वहाँ पे। तो बस अभी बच्चों से नाश्ता वगैरह से फ्री हो जाए, फिर बच्चों को रेडी करके साथ ही, तो आई गेस यही पहन जाएंगी कपड़े, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कपड़े कुछ मुझे बच्चों को जीन्स वीन्स पहनाने का खुद मन नहीं हो रहा है। तो बस यही है, अभी हम चलते हैं, निकलेंगे थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह करके। सुहानो फिर मैं आपसे अम्मी के मिलूँगी। फिर यहाँ पर जी हम लोगों ने देखी पठान और उसके बाद खाना खा के सो गए थे। गुड मॉर्निंग जी, तो हम कल अम्मी के आ गए थे और फिर उसके बाद बातों बातों में लग गए, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई थी। हम लोगों ने रात को फिर खाना खाया और फिर पठान मूवी देखी। पठान मूवी आ रही थी, पठान के साथ साथ आ रही थी बाहुबली, तो समझिए बस डबल धमाका हो रहा था। तो हम लोग मूवी इंजॉय करने में लग गए और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया। जब मूवी ख़त्म हो गई तो खाना खाया, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। अच्छा, अभी जब सुबह उठे तो देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मौसम बिल्कुल ऑसम हो गया है, मतलब अच्छा बढ़िया मौसम हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर करे थे स्मिटन से। तो बेसिकली मुझे बहुत, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट फ्री मिला है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौसम हो गया दिल्ली में। आज जब हम सुबह उठे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम माशाल्लाह। ये है जी वो सामान जो मैंने स्मिटन से मंगवाया था और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी इसकी डिटेल। मैंने मंगवाई थी ये 3 लिपस्टिक्स, जिसका सिंगल पीस का MRP है 399, ऑलमोस्ट 400 रुपीज़। ठीक है, 400 रुपये की एक लिपस्टिक है। तो मैंने 3 शेड्स मंगवाए थे, एक अपने लिए मंगवाया था, एक इल्सा के लिए मंगवाया था और एक अम्मी के लिए मंगवाया था। ठीक है, तो बाकी इल्सा के पास है वो शेड, अदरवाइज़ जैसे ऑफिस लेके चली गई, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और अभी एक अम्मी के पास है और एक मेरे पास है ये शेड। ठीक है, तो मेरा जो शेड था ना, दैट इज़ पेटल पिंक। ठीक है, 06 पेटल पिंक था ये मेरा शेड। और ये इतनी, मतलब हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है, आपके लिप्स जो है ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती। और इस पे लिखा है कि सॉफ्ट मैट, बिल्कुल एक्चुअली ये बिल्कुल इसी तरह की लिपस्टिक है और लॉन्ग स्टे है। उन्होंने मुझे ये लिपस्टिक दी है 750 रुपये की, 3 लिपस्टिक्स, प्लस ये गिफ्ट भी मुझे फ्री मिला है। तो मैं यहाँ पर ना साइड में पिक लगा दूँगी सारे प्रोडक्ट्स की जो मैंने मंगवाए थे और प्लस जो मुझे फ्री मिले थे। एक ये लिपस्टिक एप्लीकेटर फ्री मिला था, तो इसको आप देख सकते हैं, मैंने यूज़ कर लिया था, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छा लिप एप्लीकेटर है ये लिपस्टिक एप्लीकेटर। और इसके साथ एक मुझे मिला था जी जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चिक टिंट, तो वो लिप एंड चिक टिंट यूसरा को चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी था, इल्सा ने भी मंगवा रखा था अपने लिए, तो यूसरा के पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो यूसरा को दे देती हूँ। और वो पीच कलर में आया था, तो यूसरा का ही फेवरेट कलर है वो। तो और ये सीरम जो था ना, ये भी मुझे फ्री मिला था, ये सीरम प्लस लिप एंड चिक टिंट और प्लस ये लिपस्टिक एप्लीकेटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें फ्री आई थी। और कैन यू बिलीव इट, इसका सिंगल का खुद का MRP है 600 रुपीज़, 599। ये देखें 599 इसका MRP है और ये मुझे इन प्रोडक्ट्स के साथ फ्री मिला है। अच्छा देखें, ये है जी वो सीरम। ठीक है, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो 30 ml की क्वांटिटी है। और ये इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी बॉटल है ना, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल बहुत, मतलब इतना प्यारा शेड आ रहा है ग्रीन कलर, आई गेस आपको कैमरे में भी क्लियर दिख रहा हो, बहुत ही खूबसूरत शेड आ रहा है। और इसको मुझे लगाने का भी मन नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ यार ये ख़त्म ही ना हो, इतना क्यूट, इतनी प्यारी सी बॉटल है ये। और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, इसको जस्ट मैंने अभी एक ही बार अप्लाई करा है, तो मैं सही तरह से रिव्यूज़ नहीं दे सकती, बट हाँ एक बार अप्लाई करने में ना मुझे इतना तो पता चली है कि काफ़ी हाइड्रेटिंग होगा ये। तो अभी मैं ऑलरेडी और सीरम्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे पिलग्रीम का यूज़ कर रही हूँ मैं अभी सीरम, क्योंकि मुझे आगे ना नेक्स्ट रिव्यू वीडियो बनानी है स्मिटन प्रोडक्ट्स की, तो इस वजह से मैं अभी उसके सारे प्रोडक्ट्स 1 by 1 अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी मेरा तो पिलग्रीम का ही चल रहा है,
तो जब इसका नंबर आएगा तो फिर मैं इसको भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि सीरम के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी। ये देखें, ये ना इसका कुछ टेक्सचर ऐसा है, ठीक है, थोड़ा वाटरी टाइप का है बट काफ़ी हाइड्रेटिंग है। एक बार लगाने में तो मुझे काफ़ी हाइड्रेटिंग लगा, बाकी जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करूँगी ना तो मैं प्रॉपर रिव्यूज़ दे पाऊँगी। तो है ना ये एक बेस्ट डील कि 600 रुपये में आपको ये इतना अच्छा प्रोडक्ट भी फ्री मिल गया, प्लस आपको ये लिपस्टिक पे भी इतना अच्छा डिस्काउंट मिल गया। 750 रुपये की 3 लिपस्टिक्स आ गई, तो आपने और क्या चाहिए। ये देखें लिपस्टिक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है, तो लिपस्टिक जो है वो मुझे काफ़ी हाइड्रेटिंग भी लगी और काफ़ी मतलब लॉन्ग स्टे भी है लिपस्टिक का। ये देखें, ये है जी मेरी लिपस्टिक का कलर, सॉरी मैं उल्टी खोल रही हूँ, ये है जी मेरी लिपस्टिक का कलर, बिल्कुल पेटल कलर है जो होता है ना एक्चुअली, बिल्कुल वही कलर है। ये देखें जी इसका एक्चुअल कलर ये है स्किन पे लगने के बाद, कितना कोई खूबसूरत, बिल्कुल मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना ये कलर, अप्लाई करने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं ना इसकी एक पिक जो है ना वो आपके साथ यहाँ पर अटैच कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। मैंने और भी शेड्स मंगवाए थे, इल्सा का डिफरेंट शेड था, अम्मी का डिफरेंट शेड था, तो अम्मी का थोड़ा रेडिश में आ रहा था, अपने लिए पिंक मंगवाया था, और इल्सा का शायद थोड़ा न्यूड कलर था। तो काफ़ी अच्छे कलर्स आए हैं, पिगमेंटेड बहुत है, बहुत पिगमेंटेड है ये। अगर जैसे किसी के लिप बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं ना मैट लिपस्टिक लगाने के बाद, तो वो मामाअर्थ की लिपस्टिक यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है, मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों के शहर में किस तरह का वेदर हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए जी मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।